ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नाम। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेश सितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुखासादि गौर वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। शिव का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन। कल तक हमने ये चर्चा किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं ब्रह्मा जी का ही, ब्रह्म संहिता से। ब्रह्म संहिता वो ग्रंथ है जो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात जो उनका अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, या जो जो ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान से, उसके पश्चात वो ब्रह्म संहिता ग्रंथ का रचना करते हैं। और उसमें जो सबसे पहला श्लोक है वो इस प्रकार से है, उसी में भगवान कृष्ण के महत्व, भगवान कृष्ण के परम भवन होने का पूर्ण रूप से वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये चौथा प्रमाण यहाँ पे कविराज जोशी प्रस्तुत करते हैं, हमने कल चर्चा किया था। इस प्रकार के सारे सिद्धांतों को जानने के बाद भी अगर कोई फिर भी तर्क करता है तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि आप अगर जो भी समझते हैं वो भी सही है। कोई कृष्ण को विष्णु समझता है, कोई नारायण समझता है, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अवतार तो उनके अंदर विद्यमान है ही। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था 112 नंबर श्लोक। अवतारी रते सब अवतारे रह स्थिति के हो को न मते कहे जे माना यार मती। ऑल अदर इनकार्नेशंस आर सिचुएटेड इन पोटेंशियल फॉर्म इन द ओरिजिनल बॉडी ऑफ द इमेबल लॉर्ड। दस अकॉर्डिंग टू वंस ओपिनियन वन में एड्रेस हिम एज एनी वन ऑफ द इनकार्नेशंस। अवतारी 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 मतलब होता है सोर्स, सारे अवतारों के जो स्रोत हैं उनको अवतारी बोलता है। तो उनके शरीर में सारे अवतार विद्यमान होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग अवतारों के नाम से भी कोई जानता है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी इस बात का वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत में। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसी लीला में वर्णन करते हैं कि मैं तो क्षीर सागर में, मिल्क ओशन, क्षीर सागर में सोया हुआ था। और ये नाड़ा, तो श्री अद्वैत आचार्य को प्रेम से श्री चैतन्य महाप्रभु नाड़ा करके बुलाते, तो ये नाड़ा के हुंकार से मुझे वहां से उठ के आना पड़ा, ऐसा एक लीला में महाप्रभु वर्णन करते हैं। यानी जैसे कि वो शिरोदक्ष है विष्णु ही, हालांकि वो अवतारी हैं, सारे शिरोदक्ष है विष्णु उनसे आते हैं, लेकिन अगर कोई कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को शिरोदक्ष है विष्णु या महाविष्णु भी बोलता है तो गलत नहीं है, इस बात में आपको प्रमाण दे रहे हैं। आज का श्लोक यहाँ से प्रारंभ करें। कृष्ण के कहे के हा नर नारायण के हो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। सम से दैट श्री कृष्ण इज डायरेक्टली नर नारायण, अदर्स से दैट ही इज डायरेक्टली वामन। कोई बोल सकता है कि कृष्ण कौन है, साक्षात नर नारायण है, और कोई बोल सकता है कि साक्षात वामन देव। इस प्रकार से अलग अलग रूपों में भी कोई जान है, स्वीकार करता है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो सार वो रूप ही भगवान के अंदर विद्यमान है। लेकिन कल हमने जैसे चर्चा किया था, जो जिस रूप में भगवान को मानता है, पूजा करता है, उसको वही प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान को नारायण के रूप में मानेगा तो गोलोक वृंदावन चला जाएगा, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं को भी पूजा उपासक जो होते हैं
उनको पूजा या उपासना करने पे, वो इस भौतिक संसार में ही वो देवता जहाँ पे हैं उनको ही वो प्राप्त करेंगे, और संसार से मुक्त नहीं हो सकते। वैकुंठ या अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक वृंदावन, इन धामों को प्राप्त नहीं कर सकते। इन धामों को प्राप्त करने के लिए भगवान के जो विष्णु तत्व हैं, राम और द्वारकाधीश कृष्ण, इनका जो सेवा पूजा करते हैं, आराधना करते, चिंतन करते हैं, वो उन लोगों को प्राप्त करते हैं, और वहाँ वो सनातन रूप से वहाँ पे फिर उनकी सेवा में रहते हैं। जो देवी देवताओं को उपासना करते हैं पूरे श्रद्धा से, तो उनके लोगों को प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे ही, चूंकि देवी देवता भी भौतिक संसार में ही, ये स्वर्ग भी आता है, तो जैसे ही समय समाप्त होता है तो देवी देवताओं को भी अपना शरीर छोड़ के वापस से मर्त्यलोक में आना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार से उनके जो उपासक होते हैं वो भी उनको प्राप्त करने के पश्चात, उनका पुण्य खत्म होने के बाद वापस से उनको जन्म लेना पड़ता है। यानी जन्म मृत्यु का चक्कर जो है बार बार चलता रहेगा, जब तक कोई व्यक्ति भगवान विष्णु, नारायण, राम, नरसिंह या कृष्ण का उपासना या सेवा नहीं करता है। ये स्पष्ट बात। केहो कहे कृष्णा क्षीरोद साई अवतार, असंभव नहे सत्य वचन सबार। Some say that Krishna is the incarnation of Shirodakshaya Vishnu. None of these statements is impossible. Each is as correct as the others. तो कोई बोलता है कि कृष्ण शिरोदक्षाय विष्णु उनके अवतार हैं, तो ये सब जो है असंभव नहीं है, गलत नहीं है, ये भी सत्य है, क्योंकि शिरोदक्षाय विष्णु के कृष्ण के अंदर विद्यमान। इसका वर्णन लघु भागवतामृत के 5वें अध्याय के 383 नंबर श्लोक में शिला सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं। अतएव पुराणात केचिन्नरसु सखात्मताम महेन्द्रानुजताम केचित् क्षीराब्धिशायिताम सहस्रशीर्षताम केचित् वैकुंठनाथताम ब्रूयः कृष्णस्य मुनयस्तत्तद्वृत्ति अनुगामिनः। अकॉर्डिंग टू द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन श्री कृष्ण, द प्रेमेबल लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, द पुराणास डिस्क्राइब हिम बाय वेरियस नेम्स। समटाइम्स ही इज कॉल्ड नारायण, समटाइम्स उपेंद्र, वामन, द यंगर ब्रदर ऑफ इंद्र, किंग ऑफ हेवन, एंड समटाइम्स शिवदक्षाय विष्णु, समटाइम्स ही इज कॉल्ड द थाउजेंड हुडेड शेष नाग, एंड समटाइम्स द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ। ये लघु भागवतामृत में इसका वर्णन है कि भक्त भगवान कृष्ण के साथ जिस संबंध में रहता है, उसके संबंध की घनिष्ठता के अनुसार, कभी वो कृष्ण को राम के रूप में, कभी वो कृष्ण को नारायण के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी शिवदक्षाय विष्णु के रूप में, कभी शेष नाग अनंत शेष के रूप में, कभी वैकुंठपति, हाँ, वैकुंठ नाथ के रूप में जानते हैं। और भगवान अपने भक्तों के इच्छा अनुरूप अपने आप को उस उन उन रूपों में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से अपने भाव के अनुसार जो भी भगवान को जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनका सेवा, तो उनकी प्राप्ति कर सकता है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन तत्वतः सिद्धांत यही है कि सारे के सारे जितने भी रूप हैं, अवतार हैं, भगवान अपने भक्तों के इच्छा अनुरूप, अच्छे इच्छा अनुसार लेते हैं, लेकिन वो सब के सब अवतार और रूप हैं कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। कृष्ण ही मूल स्वरूप, कृष्ण सबके स्रोत। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझें तो कोई व्यक्ति है, तो वो किसी कोचिंग क्लास में, मान लीजिए उसका कोई ट्यूशन है, वो टीचर भी है, पढ़ाता भी है, और फिर वो किसी कंपनी में मैनेजर भी है, और घर पे पिता भी है, और किसी का बेटा भी है, और फिर कुछ बिजनेस करता है, धंधा करता है, तो वहाँ पे किसी का वो क्लाइंट बनता है या बिजनेस पार्टनर बनता है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व है। तो कोई बाहर वाला व्यक्ति, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको वो ट्यूशन पढ़ाता है, तो घर में जब उसको देखेगा, तो घर में तो हालांकि वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, लेकिन वो जो बच्चा आएगा जिसको ट्यूशन पढ़ाता है, तो घर पे भी मिलेगा तो उसको टीचर के रूप में, सर के रूप में एड्रेस करेगा कि मेरे टीचर, ऐसे ही वो उनका संबोधन करेगा और उनसे उसी भाव में बात करेगा। तो वो गलत नहीं है। तो जो उस व्यक्ति का अपना जो असली बच्चा होगा, उसका खुद का पुत्र है, वो तो उसको सर नहीं बोलता है, टीचर नहीं बोलेगा उसको, तो वो पापा करके बुलाएगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, जो उसका स्टूडेंट है, तो वो जब आएगा तो वो बोलेगा, तो ये तो सर है हमारे, टीचर,
और जो उसका खुद का पुत्र है वो बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे पापा हैं, तो दोनों आपस में ऐसे लड़ाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे पिताजी हैं, और बोलेगा ये मेरे टीचर हैं। वास्तव में कौन सत्य है? दोनों ही सत्य हैं। एक ही व्यक्ति अपने पुत्र के लिए बाप के रूप में है और बाहर शिक्षक शिक्षक के रूप में, तो इसलिए वो गलत नहीं है। लेकिन वो जो ओरिजिनल व्यक्ति है, जिसका कुछ मान लीजिए फलाना फलाना नाम है, तो वही ओरिजिनल स्वरूप है, और वो अपने आप को अलग अलग कभी शिक्षक के रूप में, कभी मैनेजर के रूप में कंपनी में, कभी धंधे में बिजनेस पार्टनर के रूप में, और घर में पिता माँ बाप के रूप में प्रकट करता है। तो इसी प्रकार से कोई भगवान को अलग अलग रूपों में स्वीकार करता है। कृष्ण को कोई राम के रूप में ही देखता है कि राम ही मेरे राम ही आए हैं कृष्ण के रूप में। और जैसे मुरारी गुप्ता का उदाहरण दिया था, चैतन्य महाप्रभु आए, तो चैतन्य महाप्रभु को तो मुरारी गुप्ता भगवान राम के भक्त हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, तो वो उसी रूप में देखना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको राम का दर्शन कराया, राम के रूप में दर्शन कराया। इस प्रकार से अलग अलग, ये गलत नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जो ओरिजिनल फॉर्म है कृष्ण, वो सारे स्रोतों सारे अवतारों के स्रोत। केहू कहे परव्यो में नारायण हरि, सकल संभवे कृष्ण याते अवतारी। तो कोई कहता है सम कॉल हिम हरि और द नारायण ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कृष्ण फॉर ही इज द प्रेम ऑफ द गॉड। कोई कृष्ण को हरि के नाम से जानता है, कोई नारायण भी बोलता है। जैसे ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में कृष्ण को मूल नारायण के रूप में एड्रेस कर रहे हैं, तो नारायण भी, क्योंकि सब कुछ संभव है कृष्ण के लिए, क्योंकि वो जो है ओरिजिनल स्रोत है, अवतारी याते अवतारी, क्योंकि वो सारे अवतारों के स्रोत, वो अवतार भी विद्यमान। सब श्रोता गणे र करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुना करी गमन। तो अभी देखिए कविराज हुसैन बहुत ही विनम्रता पूर्वक पिछले 115 श्लोकों में बहुत अच्छे से सिद्धांत का निरूपण किए, को तो प्रकट किए और समझाए हमको अलग अलग भागवत से, ब्रह्म संहिता से प्रमाण लेकर के, कि कैसे कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, वही मूल स्वरूप है भगवान के, परम सत्य का जो मूल 100% जो स्वरूप है वो कृष्ण के रूप में है, वही सारे अवतारों के भी अवतार स्रोत हैं, जिससे आते हैं। ये सब वो वर्णन किए और बोल रहे हैं, जो भी लोग ये ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों का वंदना करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये सब आप जो है एक पूरा ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करिए और समझने का प्रयास करिए शास्त्रों के दृष्टि से। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस एंड टू द फीट ऑफ ऑल हु हियर और रीड दिस डिस्कोर्स, काइंडली हियर विद अटेंशन द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट। क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि अगर जब तक कोई व्यक्ति सिद्धांत को और ध्यान पूर्वक ये सारे जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है शास्त्रों के, इसको नहीं सुनेगा, तब तक वो इस तत्व को नहीं समझ पाएगा। तो हमेशा व्यक्ति जो है कंफ्यूज रहेगा और लड़ाई करता रहेगा, कोई कृष्ण श्रेष्ठ है या राम श्रेष्ठ है, नारायण श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा अलग अलग ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करेगा। इस लड़ाई झगड़े से मुक्त हो करके जो उचित सिद्धांत है उसको अगर समझना है, तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कविराज हुसैन कि आप, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ध्यान पूर्वक इस तत्व को समझिए, सिद्धांत यानी कंक्लूजन निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक अगर आप समझेंगे, तब किसी भी प्रकार का ये मन में डुअलिटी द्वैत नहीं आएगा। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग होते हैं जो कृष्ण को मानते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, कुछ लोग राम को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते हैं, कुछ लोग राम को मानते हैं लक्ष्मण को नहीं मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं बलराम जी को नहीं मानते। इस प्रकार के लोगों को भी असुर कहा गया है शास्त्रों में। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब उनको इस प्रकार के जो जैसे कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं सिद्धांत को शास्त्रों से प्रमाण उठाते हुए, इसको जब कोई ध्यान पूर्वक नहीं सुनता है, समझता नहीं, इस प्रकार का भेद दृष्टि उसके मन में उत्पन्न होता है। लेकिन अगर कोई अच्छे से समझेगा तो वो आसानी से समझ सकेगा यार ये भगवत तत्व को, भगवान के तत्व। Prostrating himself at the feet of his readers, the author of Sri Chaitanya Charitamrita entreats them in all humility to hear with rapt attention these conclusive arguments regarding the absolute. One should not fail to hear such arguments, for only by such knowledge can one perfectly know Krishna. इस प्रकार से अपने आप को पूरा उनके चरणों में लेट कर प्रणाम करते हुए जो
इस ग्रंथ के ऑथर हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बड़ी विनम्रता से सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे बहुत ज्यादा इसमें तर्क वितर्क है, इसमें ये सब मैं हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस केवल जो है भगवान का लीला सुनना है, बस ये सुनना, ये इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि कौन किसका अवतार है, कौन अवतारी है, ये सबसे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो बोल रहे नहीं, हाँ सिद्धांत बोलिया चित्ते न कर हाल, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। आगे इस बात को बोलते हैं कविराज सिंह, ये जो सिद्धांत है, तत्व है भगवान के बारे में, जो तत्व है भगवान की शक्तियां, भगवान के अलग अलग स्वरूप, वैकुंठ जगत, भौतिक जगत, जीव तत्व, विष्णु तत्व और कृष्ण, ये सब तत्वों के जो सिद्धांत है, इसको सुनने में आलस मत करिए, क्योंकि इसको अगर कोई समझेगा तो इससे सुदृढ़ मानस, कृष्ण के प्रति सुदृढ़ मानस हो जाएगा, यानी उनके भक्ति के प्रति एक एक निष्ठ भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बड़े विनम्रता पूर्वक आप सबको कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हुए, आपके चरणों में वंदना करते हुए बोल रहे हैं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे बहुत तर्क वितर्क प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सब हमारे लिए कोई काम का नहीं, हम तो केवल भक्ति करना चाहते हैं। नहीं, ये भी भक्ति है, जब तक हम अच्छे से शास्त्रों के तर्कों के अनुसार, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ये नहीं समझेंगे कि कौन जो ओरिजिनल भगवान है और वो किस प्रकार से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और कोई भेद तो नहीं, ये तत्व तो नहीं समझेंगे, तब तक हमको भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तत्व तो। ऐसा नहीं कि केवल कविराज गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इस सिद्धांत को सुनिए, नहीं तो आपका कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठनीय पन। कृष्ण भी गीता में बोलते हैं साफ साफ, भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्व, जो सिद्धांत से मेरे जन्म को, मेरे स्वरूप को, मेरे लीलाओं को जानता है, एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति स्वर्ग। तो वो इस संसार को, इस शरीर को त्याग करने के बाद वापस इस संसार में उसको नहीं भटकना पड़ता है, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है अर्जुन। तो केवल और केवल वो भक्त जो भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में तत्वतः जानते हैं, तत्व से जानते हैं, सिद्धांत के साथ जानते हैं, केवल वही इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। जो केवल भगवान के जन्म लीला और अलग अलग कर्म लीला, जन्म कर्म को सुनते हैं, केवल लीलाओं को स्टोरी के रूप में सुन लेते हैं, तो वो जो है पूरी तरह से अपने आप को संसार से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि तत्वता नहीं जानते ना। ये भगवान गीता में साफ साफ कई बार बोले, एक तो ये श्लोक हो गया जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, एवं इस प्रकार से जो तत्वतः जानता है, यहाँ पे इस प्रकार से बोले। और एक दूसरी जगह भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः ततो माम विशते तदनंतरम, ततो माम ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। यहाँ पे भी भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति योग के माध्यम से, मेरे सेवा के माध्यम से मुझे, और ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से मेरे बारे में कथा को सुन के, कथा मतलब कृष्ण तत्व, तो इसको जब सुन के कोई तत्वतः मुझे जान लेता है, तो वही मुझे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा और कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार ये भ्रांति होती है लोगों को कि वो सोचते हैं कृष्ण कथा का मतलब होता है कि कृष्ण की लीलाएं, राम कथा मतलब राम जी की लीलाएं, यानी भगवान रामचंद्र ने जो लीला किया, कृष्ण की लिए कृष्ण कथा मतलब कि कृष्ण का जो जन्म लीला है, फिर बाल्य लीला है, फिर पौगंड लीला है, फिर कैशोर लीला है, फिर मथुरा में, द्वारका में, इधर उधर हर जगह जाके भगवान ने जिस जिस प्रकार का लीला किया, वही कृष्ण कथा है। और कुरुक्षेत्र में जाके जो भगवान ने गीता का प्रवचन किया, वो थोड़ी ना हमारे लिए, वो थोड़ी ना कृष्ण कथा, वो तो उनके लिए है जो संसार, ये जो भक्त नहीं है, वो जो उनके लिए है जो कृष्ण लीला नहीं जानते। तो ऐसा विचारधारा होता है, जो पूर्ण रूप से जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण कथा का मतलब जो कृष्ण के कार्य हैं, लीलाएं, उसको कृष्ण कथा बोलते हैं। बट वास्तव में कृष्ण कथा का अर्थ क्या होता है? कृष्ण कथा का मतलब होता है कि हर वो चीज, हर वो तत्व, सिद्धांत, कार्य, गुण, स्वरूप, नाम, जो भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है, संबंधित है, जुड़ा हुआ है, वो कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा का मतलब होता है कृष्ण ने जो कहा वो भी कृष्ण कथा है,
और कृष्ण के बारे में जो कहा गया है वो भी कृष्ण कथा है, वो दोनों चीज कृष्ण कथा में आता है ना। और दो प्रमुख कृष्ण कथाएं क्या क्या है, भगवद गीता जो कृष्ण ने स्वयं कहा उसको भी कृष्ण कथा बोलते हैं, कथा का मतलब ही होता है, जो बंगाली होते हैं आप बंगाल में जाएंगे तो कहने को कथा ही बोलते हैं कि कथा ऐसा करते वो बोलते हैं क्या क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कहा कहने को वो कथा बोलते हैं। कृष्ण कथा मतलब कृष्ण ने जो कहा, और कृष्ण ने क्या कहा, भगवद गीता का, भगवद गीता में A to Z जो भी भगवान ने जो भी श्लोक बोला है सब कृष्ण कथा है। और भागवत दूसरा कृष्ण कथा है जो भगवान के बारे में कहा गया, तो भागवत में भी जो भगवान के बारे में तत्व कहा गया है, सिद्धांत कहा गया है, उनके स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो कैसे परम सत्य है, परम ब्रह्म है, और सारे अवतारों के भी स्रोत हैं ये सब, और साथ ही साथ में जो कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं किया वो सब कृष्ण कथा में आता है। यहाँ तक कि परीक्षित महाराज जिनके पास मात्र 7 दिन थे और जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि भगवान कृष्ण का कथा सुन के समाधि में चले जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो कि परम विरक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण का गुणगान करने में पूरी तरह समाधि समाधिष्ट हो जाते हैं, तो वो भी भगवान की कथा का मतलब केवल बस भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं थी कि केवल चलो रास लीला, बाल बाल लीला, पौगंड लीला ये वर्णन कर देते, नहीं, कृष्ण ने जो जो किया, कृष्ण के बारे में जो जो सिद्धांत, ये सृष्टि भौतिक सृष्टि के का रचना करते, भगवान किस प्रकार से अलग अलग तत्व बनाते हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर अलग अलग ग्रह बनाते हैं, इस प्रकार से जो भौतिक सृष्टि की रचना है ये भी कृष्ण की लीला ही है, इसको सृष्टि लीला कहा जाता है। तो जो सहजिया लोग होते हैं, सहजिया का मतलब होता है जो भगवान को बहुत चीप सस्ता समझते हैं, तो वो लोग सृष्टि लीला नहीं सुनना चाहते, वो लोग डायरेक्ट रास लीला सुनना चाहते, वो सोचते हैं कि सृष्टि लीला तो ये तो ज्ञान कांड है, ये केवल जो ज्ञानी लोग हैं ज्ञान मार्ग करते हैं उनके लिए, भक्तों के लिए नहीं, भक्तों के लिए तो केवल रासलीला है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसे लोग प्राय भ्रमित हो जाते हैं और कृष्ण को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, प्रामाणिक शुद्ध भक्त, प्रामाणिक आचार्य हैं, आप देखिए पूरे परंपरा में ब्रह्मा जी से लेकर के नारद मुनि, वेद व्यास जी, वाल्मीकि ऋषि, रामानुजाचार्य, निंबार्कचार्य, विष्णु स्वामी, जितने भी प्रामाणिक आचार्य हुए, शुद्ध भक्त हुए, उन सब ने कभी केवल डायरेक्ट जो है कृष्ण के कार्यकलापों का या भगवान के कार्यकलापों का, भगवान राम के कार्यकलापों का, नरसिंह भगवान के, कोई भी अवतार के केवल कार्यकलापों का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले उनके जो शिक्षाएं, उन्होंने जो भी वर्णन किया उसमें से ज्यादातर जो पोर्शन है, हाँ बोल सकते हैं 70 से 80-90% जो उनका कंटेंट है, जो उन्होंने रचनाएं किया है वो क्या है, वो कृष्ण भगवान के तत्व पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित है, वो हम देख सकते हैं। चाहे हम भागवत अभी पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में, ये गौर कथा है, और फिर शाम को गीता तो पूरा सिद्धांत है, और उसके बाद रामायण भी जो रात को हम लोग करते हैं राम कथा, तो रामायण में भी देखिए किस प्रकार से नारद मुनि, वाल्मीकि ऋषि को पूरा भगवान रामचंद्र के बारे में सिद्धांत तत्व का अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्राय जिनका जो भक्त शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है तो उनके लिए ये जो सिद्धांत है तत्व है ये बोरिंग लगता है, इसमें रुचि नहीं उत्पन्न होती क्योंकि इसमें मन को रंजन नहीं मिलता है, ये मन को मनोरंजन नहीं मिलता है, ये मन के मंजन के लिए, मन की सफाई के लिए, सिद्धांत को गहराई से हमारे हृदय में स्थापित करने के लिए बोला गया है। तो कभी भी इस प्रकार का गलत फहमी नहीं रखना चाहिए कि अरे ये तो सिद्धांत तत्व ये कौन समझेगा, अगर प्रयास करेंगे जो ध्यान पूर्वक, इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी अनुरोध कर रहे हैं हमसे, प्रार्थना कर रहे हैं, आप सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो कविराज गोस्वामी जो कि इतने बड़े इतने महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, जिनके दीक्षा गुरु डायरेक्ट कौन है, नित्यानंद गुरु स्वयं बलराम, बलराम जिनके दीक्षा गुरु हैं, बलराम जी के आदेश पे जो वृंदावन गए और नित्यानंद गुरु के आदेश पे, और नित्यानंद गुरु के आदेश पे उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ का रचना किया है, स्वयं मदन मोहन वृंदावन वृंदावन में जो मदन मोहन है, मदन मोहन स्वयं उनको जो है परमिशन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपना अपना गार्लैंड उनके गले में पहनाते हैं, आगे 8वें अध्याय में वर्णन करेंगे आएगा। तो ऐसे सबसे सौभाग्य प्राप्त और शुद्ध भक्त महान आचार्य श्री तुलसीदास कविराज गोस्वामी, हम तो उनके चरणों के एक धूलि के भी बराबर नहीं, हमारा हमारा जो योग्यता है उनके चरणों का धूलि भी अपने सिर में रखने के योग्य नहीं है, हम लोग इतने अपवित्र हैं, आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इतना पवित्र हूँ कि उनके चरणों के एक धूली भी अपने सिर में नहीं रख सकता, उनके चरणों की धूली भी जो है इतनी परम पवित्र है,
जो देवताओं को भी पवित्र करने की शक्ति रखते, एक चरण का एक धूलि जो है, लेकिन वो इतने विनम्रता का भाव निरख करके हम आप सब श्रोताओं के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग कृपा करके, है ना, ये सब सिद्धांत सुना करी एक मन, ये सब सिद्धांत को सुनिए ध्यान पूर्वक, एक मन एक निष्ठ होकर के ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान पूर्वक सुनते जाइए बस, क्योंकि धीरे धीरे आप समझ में भी आएगा, क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी आप भगवान कृष्ण को अच्छे से समझ पाएंगे और असली जो वास्तविक शुद्ध भक्ति है वो कर पाएंगे और इस प्रकार से भगवान को आप प्राप्त कर पाएंगे। ये जो असली जो सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, फल है, कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी, वो इसी माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी बड़े विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं कि सब श्रोता गण करी चरण वंदन, ये सब सिद्धांत सुना करी एक मन। सभी श्रोतागण जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेंगे पूरे भविष्य में आकर के, चाहे छोटा भक्त बड़ा भक्त अभक्त कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा, उन सब के चरणों का वंदना करते हुए अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनिए, इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, ये मत सोचे, क्योंकि कविराज गोस्वामी को पता है, वो जानते हैं कि प्राय जो लोग होते हैं जो कि अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, तो वो लोग का आदत होता है, क्या आदत होता है कि जब सिद्धांत तत्व का वर्णन होता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, पन्ना पलटते जाएंगे, और जहाँ पे केवल लीला है उसी को बस पढ़ेंगे। इसलिए वो यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करिएगा, है ना। आप सोचिए कविराज गोस्वामी अपनी सबसे उच्चतम वृद्धावस्था में ये ग्रंथ लिख रहे हैं। अभी आगे चल के एक जगह वर्णन करते हैं वो, कि मैं आँख से अच्छे तरीके से देख नहीं सकता हूँ, मेरा हाथ कप रहा है, मैं अच्छे से लिख नहीं सकता हूँ, अच्छे से मैं बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, ये बड़ा अद्भुत, उनको खुद को अद्भुत लग रहा है कि मैं ये ग्रंथ कैसे लिख पा रहा हूँ। वो बोलते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और फिर इसलिए वो बोलते हैं कि इसीलिए ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु लिखवा रहे हैं, मैं तो केवल काष्ठेर पुतली, जैसे लकड़ी का पुतली होता है ऊपर से धागा पकड़ के पपेट हिलाता है, उस तरह से हूँ मैं, क्योंकि मेरा तो पूरी तरह से मैं वृद्धावस्था हो गया, मैं अच्छे से देख नहीं सकता हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं अच्छे से लिख नहीं सकता हूँ, सुन नहीं सकता हूँ अच्छे से, बोल नहीं सकता हूँ अच्छे से, इतनी वृद्धावस्था में थी तब उस समय ये ग्रंथ लिख रहे हैं। सुनिश्चित तो ऐसी अवस्था में ग्रंथ लिख रहे हैं चैतन्य चेतनवेद, और उस ग्रंथ में कितना डिटेल में जाकर तत्वों का अगर सिद्धांतों का वो वर्णन कर रहे हैं, जबकि उनके पास समय कम है, कभी भी जो है उनका शरीर छोड़ने का समय आ सकता है, कि उनके आगे चल के ग्रंथ में ऐसा वर्णन भी करते हैं कि मेरा कभी भी मृत्यु हो सकता है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इतने ऐसी अवस्था में जा करके, इतना संघर्ष करके और इतना कम समय रहते हुए भी इन ग्रंथों को अगर लिखा है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से एग्जैक्टली इसी तरह से कविराज गोस्वामी के जैसे ही प्रभुपाद जी का भी जीवन चरित्र है। प्रभुपाद जी के पास भी बहुत कम समय था, आप सोचिए दिन भर प्रभुपाद जी पूरा इस्कॉन का प्रीचिंग करने में एंगेज रहते थे, मैनेज करने में सोसाइटी को, और जो नए नए शिष्य थे उनको मदद करने में, गाइड करने में, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकन यूरोपियन शिष्य थे और सब नौजवान थे, 18 20 साल 25 साल, हार्डली कोई 26 30 साल का था उस समय, उन सबको नए नए लोगों को जो सब कुछ सिखाना, गाइड करना कि पूरा सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, पूरे विश्व में कैसे प्रचार करना है, तो पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता था प्रभुपाद जी। फिर ग्रंथ कब लिखेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी रात को केवल 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक 2 2.5 घंटे विश्राम करके उठ जाते थे 12:30 बजे, और फिर 5 बजे तक सुबह ऐसे 4 साढ़े 4 घंटे ये ग्रंथ लिखते थे उस अवस्था में, जबकि उनके पास समय कम था। प्रभुपाद जी का बहुत तीव्र इच्छा था कि मैं पूरा भागवतम का अनुवाद करूंगा, उसके बाद महाभारत भी करना है, और फिर रामायण को भी प्रभुपाद जी अनुवाद करना चाहते थे, उपनिषदों का अनुवाद करना चाहते थे, इतना इच्छा था, लेकिन समय कम था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए प्रभुपाद जी ने जो भागवत और श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद और तात्पर्य लिखे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जहाँ पे जो तत्व है सिद्धांत है उसका बहुत अच्छे से लंबा व्याख्या करके प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तत्व के ऊपर। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी सोचे कि ठीक है चलो अभी कृष्ण की लीलाओं बस का वर्णन कर देता हूँ, नहीं, प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में पूरा तत्व का वर्णन किया, जबकि जहाँ पे लीला आती है कि भगवान ने कुछ कुछ लीला किया, वहां पे प्रभुपाद जी ज्यादा बड़ा लंबा तात्पर्य नहीं देते हैं, कई कई जगह तो केवल अनुवाद बस देके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लीला है वो हमको अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएगा जब हम
भगवत तत्व को, सिद्धांत को समझ जाएंगे और अपने हृदय को, साधना भक्ति को करके अपने हृदय को पूर्ण रूप से जब हम शुद्ध कर लेंगे, तो जो भगवान का नाम है, रूप है, भगवान का सुंदरता है, मधुरता है, उनके जो दिव्य गुण है, उनकी जो अलग अलग लीलाएं हैं, चाहे बाल लीला है, पवन लीला है, रास लीला है, ये सारी लीलाएं जो है आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएंगी जब आप शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, पूर्ण रूप से जो कृष्ण तत्व है, सिद्धांत है, उसको समझ जाएंगे, और विशेष रूप से साधना भक्ति, हरि नाम के जप के माध्यम से जितना हम अपने हृदय को शुद्ध कर लेंगे, तो वो अवस्था जो अपने आप प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है श्रील तुलसीदास कविराज गोस्वामी से कि हम सब जो है इसको ध्यान पूर्वक सुने। देखिए वो श्लोक आ ही गया जो मैं बोल ही रहा था, सिद्धांत बलिया चिते न कर आलस, इहा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अ सिंसियर स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट द डिस्कशन ऑफ सच कंक्लूजंस कंसिडरिंग देम कंट्रोवर्सियल, फॉर सच डिस्कशन स्ट्रेंथन द माइंड, दस वंस माइंड बिकम्स अटैच्ड टू श्री कृष्ण। बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, इसका तात्पर्य कल हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा इस पर विचार। देखिए कि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे कितना बड़ा तात्पर्य लिखा है कि सिद्धांत बलिया चीते न कर आलस, सिद्धांत को समझने के लिए बिल्कुल आलस मत करिए, ध्यान पूर्वक तत्व जहाँ पे भी वर्णन किया जा रहा है तो उसको सुनते रहिए, सुनते रहिए, धीरे धीरे समझेंगे। इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, इसका हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो तत्व है कितना महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए आपके क्वेश्चन, यस क्वेश्चन, यस मतलब क्वेश्चन। तो कृष्णा प्रभु जी, सिद्धांत का एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में। सिद्धांत का मतलब होता है कि भगवान के बारे में, भगवान के स्थिति के बारे में, जो असली जो निर्णय है, निष्कर्ष है कि भगवान कौन है, उनकी दिव्य स्थिति क्या है, दिव्यता का क्या मतलब होता है, तीनों गुणों से भगवान परे हैं, इसका क्या अर्थ होता है, भगवान सारे अवतारों के भी स्रोत हैं, किस प्रकार से सारी सृष्टि के स्रोत हैं, किस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को भगवान जो है सृष्टि करते हैं, फिर उसको पालन करते हैं, फिर उसका विनाश करते हैं, भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार क्यों लेते हैं, इसके पीछे जो गहरा तत्व है उसको ही सिद्धांत बोला जाता है। यानी जो हम सुबह भागवत, गौर कथा, गीता, रामायण में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब का सब सिद्धांत है, तत्व। तो इसको सुनने में कभी आलस नहीं करना चाहिए, है ना। ये सुनने में कई बार प्रारंभिक अवस्था में बोरिंग लग सकता है, अरे बार बार वही तत्व निरूपण ये सब हो रहा है, क्योंकि कई बार हमको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, धीरे धीरे आपको ये शब्द तो जो अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं ये आप जान पाएंगे और समझ भी पाएंगे, लेकिन इनको ये सोच करके कि इसमें रुचि नहीं आ रही है या इसका इतना मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो डायरेक्ट जो है राम जी का लीला सुनना है, कृष्ण का लीला सुनना है, तो ये छोड़ के अगर हम तत्व को निग्लेक्ट करेंगे तो हम लोग भक्ति में वास्तविक रूप में आगे प्रगति नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कविता। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु कृष्ण। जी, जैसे आपने बताया कि भगवान तो जैसे एक ही है, राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव अवतार अलग अलग है, तो फिर जैसे राम जी का साकेत धाम है, अपने कृष्ण जी का गोलोक धाम है, तो फिर इसको कैसे समझे हम कि क्या उनका सेम कंडीशन है सबकी? नहीं, अलग अलग है, आप अपने भक्तों के अनुसार, किसी भक्त को भगवान, वो भगवान को जिस रूप में सेवा करना चाहता है, जिस रूप में उनके साथ रहना चाहता है, तो भगवान उसको उस रूप में हमेशा, सनातन रूप में उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो इस हिसाब से फिर उस भक्त के भाव अनुसार अलग अलग रूप हैं, और उसी प्रकार से अलग अलग धाम, साकेत धाम, अयोध्या धाम अलग है, गोलोक वृंदा धाम अलग है, द्वारका अलग, द्वारका में भी कृष्ण है लेकिन द्वारकाधीश के रूप में, वहां पे वो मुकुट पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं और चक्र रखते हैं, लेकिन वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण मुकुट नहीं पहनते हैं, ना वो फ्लावर से रखते हैं, मोर पंख लगाते हैं और बांसुरी फ्लूट रखते हैं, चक्र वहाँ पे नहीं रखते हैं। तो वहाँ पे भक्तों का भाव अलग है, भगवान कृष्ण को वहाँ पे वो एक गोपाल के रूप में देखना चाहते हैं इसलिए, और द्वारका में भगवान के जो भक्त है वो भगवान को ऐश्वर्य के रूप में देखना चाहते हैं, भगवान बहुत ऐश्वर्यवान है, उनका बहुत दिव्य ऐश्वर्य है, ये सब देखना चाहते हैं। इसी तरह भगवान रामचंद्र को भी एक आदर्श राजा के रूप में देखना चाहते हैं, आदर्श
पालन करने वाले के रूप में देखना चाहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जैसा भाव रहता है उस हिसाब से भगवान अपने धाम को भी प्रकट करते हैं, इसलिए अलग अलग धाम। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण। यस राहुल को, जी मैं एक सवाल है मेरा, यदि इमरजेंसी में भक्त नहा नहीं पाए तो इसमें कोई संदेह है क्या? इमरजेंसी में नहीं नहा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहाना चाहिए, रेगुलर स्नान करना चाहिए। और इमरजेंसी कैसी स्थिति में, अगर कहीं है नहा नहीं सकते, जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, 1-2 दिन का ट्रेवल है तो आप नहा नहीं सकते, तो भी आप हाथ मुंह धो करके जप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ट्रेन में भी कई भक्त लोग, हम लोग जाते हैं तो हम लोग ट्रेन में भी नहा लेते हैं, बॉटल का इस्तेमाल करके हम नहाते हैं। लेकिन अगर कैसी स्थिति है, हॉस्पिटल में है कोई, नहीं नहा सकता है, तो लेकिन जब फिर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हाथ धुल करके मुंह धुल करके जब करते रहना चाहिए, हरे ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। चैट में कुछ प्रश्न आए हैं, वो भी ले लेता हूँ। श्रीमद् भागवतम और गीता, भागवत कथा में क्या अंतर, क्या डिफरेंस है? श्रीमद् भागवतम और भागवत कथा एक ही चीज है। भागवत, श्रीमद् भागवतम को ही भागवत कहा जाता है,